और अब मतदान केंद्र में अंदर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदान करने के लिए। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अहमदाबाद से, जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। लोकतंत्र का महापर्व और उसका जो तीसरा चरण, गुजरात की अगर हम बात करें तो सूरत को छोड़कर बाकी 25 सीटों पर मतदान होना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो हैं अहमदाबाद से मतदाता हैं, तो बतौर मतदाता अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए। और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, मतदान करने पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिस तरीके से आम जन मतदान केंद्र में बूथ पर आगे पहुंचता है, उसी तरीके से मतदान करने के लिए पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर। जो प्रक्रिया है मतदान की, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कैसे उस प्रक्रिया को पूरा करते हुए वोटर स्लिप जो है उसकी जांच की जाती है, देखा जाता है जो उसमें नंबर है, उसके बाद अलग अलग चरणों में जो मतदान की प्रक्रिया है वो पूरी की जाती है। ये मतदान की प्रक्रिया, और अब ये तस्वीरें काफी अहम, ये तस्वीर मतदान कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने मतदान किया उसके बाद बाहर आकर आप देख सकते हैं जो लोग यहाँ पहुँचे हैं उनको देखने के लिए उनका ऑटोग्राफ यहाँ लेते हुए नज़र आ रहे हैं और हमेशा जनता के बीच काफ़ी हम कह सकते हैं प्रसन्न नज़र आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फिलहाल मतदान उन्होंने किया उसके बाद जब बाहर आए संकेत भी दिया कि कैसे जो मतदान है वो ज़रूरी है और उस वहाँ पर जो तमाम लोग मौजूद हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कैसे उनके पास पहुँचे और साथ ही साथ जो मतदान किया है उसके बाद निशान को दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए जो लोग यहाँ पहुँचे हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए काफ़ी संख्या में यहाँ लोग जो हैं वो मौजूद हैं। फिलहाल मतदान केंद्र से आगे की ओर अब बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अहमदाबाद से जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान किया और साथ ही जो लोग उन्हें यहां देखने के लिए पहुंचे थे उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए ऑटोग्राफ देते हुए नजर आए। मतदान जो प्रक्रिया है वो तीसरे चरण के लिए हम कह सकते हैं कि शुरू है और उसी में अपनी जिम्मेदारी और अपना कर्तव्य निभाते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मतदान उन्होंने किया अब से कुछ देर पहले और उसके बाद इस मतदान केंद्र से प्रस्थान करते हुए आगे बढ़ते हुए तीसरे चरण के मतदान की अगर बात की जाए तो कुल 93 सीटों पर जो मतदान है वो जारी है और खासतौर से अहमदाबाद की जो तस्वीरें हैं वो आप अभी देख पा रहे हैं जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान किया। अहमदाबाद में इस मतदान केंद्र पर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और उसके बाद मतदान के निशान को भी दिखाते हुए नजर आए। फिलहाल अब इस बूथ से इस केंद्र से आगे की ओर रवाना होते हुए प्रधानमंत्री के साथ गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं जो कि बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं गांधीनगर सीट से और उस न सिर्फ गांधीनगर बल्कि गुजरात की जो अगर हम बात करें 25 सीटों की जिन पर आज मतदान जारी है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों की अगर बात की जाए तो कुल 10 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जिनकी कुल 93 सीटों पर मतदान चल रहा है और फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं मतदान के बाद यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे भी लगातार मिल रहे हैं ऑटोग्राफ भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के आने से पहले ही काफ़ी संख्या में जो लोग थे वो यहाँ जुटने शुरू हो गए थे। Come on.
गर्मी में है, आप लोग दिन रात दौड़ कर रहे हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य की भी चिंता कीजिए। और क्योंकि चुनाव के दिनों में पत्रकार साथियों को दिन रात दौड़ना पड़ता है, और मीडिया की कंपटीशन भी इतनी है कि आपको समय से आगे दौड़ना पड़ता है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा आप सब पुराने साथियों को कि अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, और मैं हमेशा कहता हूं कि पानी बहुत पीना चाहिए। इतना ज़्यादा पानी पियेंगे तो आपको बहुत स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहेगा और एनर्जी भी मेंटेन रहती है। आज तीसरे चरण का मतदान है, मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान एक सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महत्व है, और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आज तीसरे चरण का मतदान है, अभी और करीब करीब 3 सप्ताह चुनाव अभियान चलेगा, 4 मतदान के दौर आगे भी है। मेरा गुजरात में मतदान के नाते यही एक जगह है जहां मैं रेगुलर मतदान करता हूं, और अमित भाई यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कल रात को ही आंध्र से आया हूं, अभी गुजरात में हूँ, मध्य प्रदेश जाना है, महाराष्ट्र जाना है, फिर तेलंगाना जाना है, तो इतने कम समय में मैं ज़्यादा बात तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं गुजरात के मतदाताओं को भी और देश के मतदाताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जो उत्साह उमंग से मतदान में हिस्सा लेते हैं। आज गुजरात देश के मतदाताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जो उत्साह उमंग से मतदान में हिस्सा लेते हैं। आज गुजरात मां लोकतंत्र नो उत्सव है। आनंद की बात यह है कि पहला 2 चरण में जो मतदान थे, हूँ इलेक्शन कमीशन ने पण अभिनंदन आपीश, देशना सुरक्षा बलों ने पण अभिनंदन आपीश, अने चूंटणीनी व्यवस्था में जोड़ायेला वहीवटी अधिकारियों ने पण अभिनंदन आपीश कि पहला 2 चरण में क्या नहिवत हिंसानी घटना ध्यान में आवी छे। अदरवाइज आपने खबर है कि पहला चूंटणी में हिंसानो दौर चालतो हतो, आ वक्ते इलेक्शन कमीशन की अनेक व्यवस्थाओं, हूँ इलेक्शन कमीशन एटला माटे पण अभिनंदन करू छू कि हमने पूरु इलेक्शन कैम्पेन वोटर फ्रेंडली मैनेजमेंट में हमने ध्यान केन्द्रित करू छू। इवन आजे पण मैं एमनी एक घड़ियाड़ जोई, जे घड़ियाड़ मतदार ने लगातार एलर्ट करे छे कि तमारू मतदान थयू, अने बधाना मोबाइल पर एक घड़ियाळ अवेलेबल छे। तो इलेक्शन कमीशने पण टेक्नोलॉजीनो भरपूर उपयोग कर्यो छे, अने हूँ तो मीडियाना मित्रों ने पण कहीश के हम लोगों ने देश में भारत की चुनावी प्रक्रिया कैसी है, चुनावी मैनेजमेंट कैसा है, और दुनिया के लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही बड़ा सीखने योग्य एग्जाम्पल है। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ने केस स्टडी करना चाहिए। आज दुनिया में करीब 64 कंट्रीज में चुनाव है, उन सबका कंपैरिजन करना चाहिए, और ये वर्ष
एक प्रकार से लोकतंत्र का उत्सव न सिर्फ भारत में पूरी दुनिया में, और भारत ने दुनिया में जो भी अच्छी चीजें हैं वो चुनावी व्यवस्था में विकसित की, और मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन का अधिकारी है। आप सब मीडिया के मित्र तो अब भारत में 900 से ज्यादा टीवी चैनल्स हैं, 5000 से ज्यादा दैनिक अखबार निकलते हैं, और वो तो पूरी तरह चुनाव के रंग में रंग जाते हैं, और इसलिए हर एक का प्रयास, और यही मंथन है जो लोकतंत्र को भी मजबूत करता है और देश को भी मजबूत सरकार देता है। तो मैं इसमें योगदान देने वाले एक लोकतंत्र के महायज्ञ में जो भी जितनी आहुति दे रहा है सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं फिर से देशवासियों को यही कहता हूं कि आज गुजरात में और जहां जहां चुनाव का मतदान का दिवस है, बहुत भारी मात्रा में मतदान करें, लोकतंत्र के पर्व को मनाएं, उत्सव के रूप में मनाएं। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।